दोस्तों आज के इस एपिसोड में बात होने वाली है कि महीनों पहले से जिस कंफर्म टिकट को आपने बुक करा रखा है भारतीय रेल की यात्रा के कुछ देर पहले रेलवे की तरफ से उस कंफर्म टिकट को आरएसी या फिर वेट लिस्ट में बदल दिया गया हो, यानी कि चार्ट बनने के बाद। तो ऐसा अगर आपके साथ होता है तो आप क्या करोगे? जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है। और आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसा बीते हफ्ते किस गाड़ी के साथ हुआ और ऐसा क्यों हुआ, और ऐसा होने के बाद अगर इनके साथ आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप इन सब चीज़ों से कैसे बचोगे, कैसे अपने कंफर्म सीट को हासिल करोगे। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, बात करते हैं इन सब चीजों के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से दिल से गुजारिश है, वीडियो में अगर कोई भी नई चीज सीखने को या जानने को मिलती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बीते हफ्ते गोरखपुर एलटीटी समर स्पेशल ट्रेन में ऐसा ही कुछ हुआ है। 16 यात्रियों की कंफर्म टिकट, जिन्होंने काफी दिन पहले से कंफर्म टिकट बुक करा रखा था, वो चार्ट बनने के बाद उसको आरएसी में बदल दिया गया। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस गाड़ी में 15 थर्ड इकोनॉमी के कोच लगने थे। और आपको पता ही होगा थर्ड इकोनॉमी कोच में जो है 80 बर्थ यानी कि 80 सीटों की जगह होती है। तो यहाँ कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा था तो दो कोच थर्ड इकोनॉमी का जुगाड़ नहीं हो पाया। तो रेलवे ने मतलब जहाँ से ये गाड़ी बनकर आ रही थी तो वहाँ थर्ड एसी के 2 डिब्बे यहाँ जोड़ दिए गए, यानी कि 13 डिब्बे थर्ड इकोनॉमी के और 2 डिब्बे थर्ड एसी के। और आपको पता ही होगा थर्ड एसी में सीटें होती है कम, यानी कि 72 सीटें होती है, यानी कि एक कोच से 8 यात्री और दूसरे कोच से 8, यानी कि 16 यात्रियों की जो कंफर्म सीट थी उसको आरएसी में बदल दिया। अब यात्रियों के पास कंफर्म टिकट तो है लेकिन गाड़ी में सीट उनका है ही नहीं। तो ऐसे में जब यात्री ट्रेन पर सवार होते हैं और वो देखते हैं कि गाड़ी में सीट नहीं है तो काफ़ी हो हल्ला होता है। उसके बाद टीटी के पास वो जाते हैं तो टीटी लखनऊ स्टेशन पर उनके लिए जो बाकी कुछ यात्री नहीं आए हुए थे या फिर बाकी डिब्बों में जो सीटें थी उनको वो देकर किसी तरह से एडजस्ट करके ये चीज़ें जो है संभाला गया मामला। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि ये पहली बार इस गाड़ी के साथ ऐसा नहीं हुआ है, इसके पहले हफ्ते भी ऐसा ही कुछ हो चुका है। तो इसकी जो जिम्मेदारी है वो जो मेंटेनेंस का काम करते हैं उनकी है, यानी कि अगर कोच नहीं है तो ये आप पहले से अपडेट करो या तो फिर कोच का जुगाड़ करके कोच लगाओ। अब ऐसा अगर आपके साथ होता है तो आपको टीटी के पास पहुंच जाना है और टीटी के सामने जो है बैठ जाना है कि भैया मुझे मेरा सीट दो, और ये उनकी जिम्मेदारी है, वो आपको आपकी सीट जरूर देंगे। अगर आप टीटी के पास जाकर बात नहीं करोगे तो टीटी आपके पास अगर आपको सीट देने से रहे, यानी कि आपको ही जाना पड़ेगा उनके पास और उनके साथ उनको बोलना होगा कि मुझे मेरा सीट चाहिए आप दो, और अगर वो आपको इग्नोर करते हैं तो आपको रेलवे में इसकी शिकायत करनी होगी। तो क्या आपको ये जानकारी पहले से पता था? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हाँ या ना। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।